सुप्रीम कोर्ट ने वेश्याओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को कानूनी पेशे के रूप में मान्यता दी है। इसका मतलब है कि वेश्यावृत्ति किसी भी अन्य नौकरी या पेशे की तरह कानूनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई सेक्स वर्कर बालिग है और वो अपनी मर्जी से काम कर रही है तो पुलिस को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इस फैसले की वजह से सेक्स वर्करों ने बैंड बजाकर नाच कर अपनी खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि यौन कर्मियों को अन्य नागरिकों के समान कानूनी अधिकार है। अदालत ने कहा कि उम्र और सहमति के आधार पर आपराधिक कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर सेक्स वर्कर बालिग है और उसकी सहमति से ऐसा कर रही है तो ऐसे किसी भी मामले में दखल न दे। अदालत ने यह भी कहा कि जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाए तो यौन कर्मियों को गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इससे खुश होकर शहर के सेक्स वर्कर्स में खुशी का माहौल है। उन्होंने बैंड बजाकर नाचकर अपनी खुशी जाहिर की और इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। धन्यवाद करते हैं और उसके लिए हमारा गंगा जमुना के लिए हम लोग खुशी मना रहे उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और क्या कहते हमको जीने खाने ये लोगों देते नहीं, सब डंडा मार मार के भगाते। पुलिस वाले लोगों पब्लिक को बाजार में आने नहीं देता और इसके लिए हमारा मैडम आ रही है उसके लिए भी धन्यवाद करते। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमको आर्डर मिला, खुशी मना रहे, बाजा जा मंगाए उसके लिए भी धन्यवाद करते। जो कोर्ट से जो ऑर्डर आया है ऐसी रेड लाइट एरिया चालू होने का, हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। सर्वप्रथम तो देश के दो लोकशाही के प्रमुख स्तंभ पत्रकारिता और न्याय व्यवस्था को मेरा नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि वेश्या व्यवसाय भी एक पेशा है। वेश्या माता बहन अगर प्रौढ़ है, वयस्क है और खुद के स्वेच्छा से, खुद के इच्छा से, खुद के मर्जी से अगर वेश्या व्यवसाय को अपना पेशा बनाती है तो उसके निर्णय का भी स्वागत होना चाहिए, उसके निर्णय का भी सम्मान होना चाहिए। अगर अपने पापी पेट के लिए और अपने मासूम बच्चों के लिए अगर वेश्या माता बहने वेश्या व्यवसाय को अपना पेशा बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है, इस निर्णय को सपोर्ट डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ये भी अपने निर्णय में कहता है कि पुलिस विभाग ना हक इन महिलाओं को इसके आगे तकलीफ ना दे, इन पर कोई भी किस्म की कानूनी कार्रवाई न की जाए, इन महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, ये महिला भी सम्मान और सुरक्षा के अधिकारी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि अगर कभी कोई रेड गिरती है तो पत्रकारों ने भी उस महिला का नाम अपने वर्तमान पत्र में या अपने खबरों में छापे ना, डिक्लेयर ना करें, जिससे उस महिला को इस समाज में रहने में मुश्किल आए। संविधान की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय का, इस मानवता को जुड़े हुए निर्णय का हम आज स्वागत करते हैं, आज जल्लोष व्यक्त करते हैं। मेरे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं की मैं आभारी हूँ। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। Yes.